जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में टायरों एवं कबाड़ी के दुकानों में डेंगू लार्वा सर्विलांस सोर्स रिडक्शन के लिए अभियान चलाया गया तथा साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव व डस्टिंग कराया गया, जिसके संबंध में जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान करीब 3000 टायरों का संरक्षण किया गया है, जिसमें लगभग 173 घरों में डेंगू के लार्वा पाए जाने पर 16 दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया। साथ ही हिदायत भी दिया गया कि टायरों को हटा लें या त्रिपाल व पॉलिथीन से ढक कर रखें। उन्होंने कहा कि मच्छर से बचने के लिए कूलर में पानी ज्यादा दिन तक ना रखें, फ्रिज के पीछे रुके हुए पानी को साफ करते रहें, अपने मकान पर गमलों में तथा अन्य खाली जगहों पर पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर कहीं पर पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव अवश्य करें। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचने के लिए जनता को प्रचार प्रसार के जरिए जागरूक भी किया जा रहा है तथा डेंगू व अन्य मच्छर जनित रोग की जांच के लिए समुदाय केंद्र पर 19, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 23 तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 127 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर्याप्त मात्रा में मलेरिया एवं डेंगू टेस्ट के उपलब्ध हैं, जिससे बुखार के रोगियों का निःशुल्क त्वरित जांच कर उपचारित किया जा सके, साथ ही एपिडेमिक से भी बचा जा सके। अभियान के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी, सहायक मलेरिया अधिकारी सीपी सिंह, वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक प्रवीण कुमार पांडे, मलेरिया निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह एवं जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह ने कहा, देखो शहर में संचारी रोग चल रहा है और खांसी और डेंगू, अभी मेरे दो करना स्वास्थ्य विभाग की टीम है और नगर निगम की टीम है। आप लोग इसको टायर ऐसे क्यों रखे हैं, क्यों रखे हैं टायर, या तो हटाओ या टायर या तो कवर कराओ, या तो टायर कटेगा और या तो हटेगा, कवर करो रोग फैले शहर के अंदर और अभी मरना स्टार्ट हो गया तो आपके खिलाफ असर चलिए ठीक नहीं है। हमें आप समय बताइए, आप कल तक अगर नहीं हटता है अशोक, चार पांच गाड़ियां ना उठा के लेकर हम काट देंगे, आप मत काटो ये सुनकर गाड़ी मंगवाओ, इसको अभी तत्काल उठाओ। और एक पूरी दुकान के अंदर पानी बटा बटा खड़ा रहता है। कहने पर मानते भी नहीं है और लाके जमा भी करता है, इतने सारे मच्छर कितने सारी चीजें, मतलब मारो दवाई मारता भाई, इधर आओ, अरे अरे सर इसमें पहले मरवाए सर, इसमें डेंगू है लक्ष्मी बिल्कुल साफ है, सब में यहाँ पे सब में तुम्हारा इसको और हमेशा जल बारिश होने की वजह से जो टायर आप लोग बाहर ओपन छोड़ देते हो उसमें जल जमाव होता है और जल जमाव होने से डेंगू वाले बच्चे उसी में पलते हैं और फिर वही सबको काटते हैं और फिर टायर में डेंगू फैल रही है। और डेंगू से बचाव जो आते हैं सफाई पानी नहीं रहना चाहिए, सवाल हमें गाँव वो अतिक्रमण में हम चालान करेंगे, हटा के कहाँ हटाने का मैं अतिक्रमण में रखेंगे, कितने गोदाम में आपको सबसे पहला काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको काटिए पानी निकाल दीजिए, किसी टायर में पानी नहीं रहना चाहिए। तो आप पहले उसको आज कब तक करेंगे आप, ये चेक कर लो पांडे, सबको बता दूंगा नहीं होता है उठवा के जमा कर, उठवा के जमा कर दो कटवा देंगे, चिंता मत करो।
बारिश होने के पहले ढक दीजिए और नहीं तो फिर चालान कटेगा तो फिर 5,000-10,000 का आपके नुकसान हो जाएगा। कौन है मालिक? कौन है जो मालिक है मेरे सामने? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब, गेहूँ बैठ चुका है, अब आगे आप बढ़ाएंगे आप पानी तुरंत। ये तो आपको पहले से पता चाहिए, ये पहली बार तो हो नहीं रहा शहर में, हर साल होता है, तो क्यों नहीं आप ढाक क्यों नहीं रखा? तो या तो हटाओ या तो आपने ढाक क्यों नहीं रखा? या तो उसको ढकवाओ। इसी बार मैंने एक मिनट, इसी बार मैंने अक्रमण में भरवाया था, कहीं था अक्रमण क्यों ना रखो? इनको बस समझा दो क्या क्या करना है, तुरंत पहले 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 मलेरिया से बचाएं और ठीक करिए। ये अभी आपको नोटिस दिया जा रहा है ताकि आप 2 दिन के अंदर सही कर लें, इसके बाद चालान कटेगा। ये एक्चुअली आज अभियान, कल एक मीटिंग डीएम साहब ने रखी थी और उसमें सीडीओ साहब थे, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी साहब थे, प्लस सीएमओ साहब के जो रेप्स हैं डॉक्टर अंगद सिंह साहब थे, नगर निगम की पूरी टीम थी। अभी जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेंगू का प्रकोप अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका है, तो उससे अपना जो गोरखपुर है वो भी अछूता नहीं रहेगा। तो उसी के तहत आज रात को ये मीटिंग हुई है चीफ सेक्रेटरी की, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में डीएम साहब को ये चीज़ें पता लगी हैं और उसके बाद तत्काल पूरे शहर की जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं हम लोग की मीटिंग शाम को डीएम साहब ने ली है। उसमें ये तय किया कि कल से ये डेंगू के तहत हम लोग अभियान चलाएंगे। उसमें हमारे साथ सीएमओ रेप हैं डॉक्टर अंगद सिंह साहब और डॉक्टर मुकेश रस्तोगी साहब, हमारे जो ये अपने सफाई निरीक्षक हैं एसआई सोनकर साहब, प्लस हमारी ईटीएफ की टीम है। तो हम लोग आज जितने जो इसके मैक्सिमम जो डेंगू जो पनपता है वो ज़्यादा डिटेल में डॉक्टर साहब बताएंगे, बट जो मेरी अपनी समझ है कि जहाँ भी पानी का जमाव हो जाएगा 100% डेंगू फैल जाएंगे। और ख़ासतौर जो फैलते हैं जैसे कूलर्स की जगह है, जो कूलर्स हैं, टायर्स हैं, बाकी वैसी जगह पे जहाँ पे पानी कबाड़ है, तो हम लोग आज 2 चीज़ों पर एड्रेस कर रहे हैं। एक तो पूरे टायर वालों को मैं फोकस कर रहा हूँ और दूसरे जितने कबाड़ी हैं शहर के अंदर उन पर फोकस कर रहे हैं। तो उन पर हमारे साथ टीम है जो एक चल रही है कि जो संचारी रोग की आप देख रहे हैं जिसमें मैराथन है, बाकी जो तमाम जो हमारे पास इसके बाद एंटी लावा के वो चीज़ें हैं, चूना है, इसके बाद तमाम चीज़ें शाम को उसका फॉगिंग भी हम लोग करेंगे। तो जो नगर आयुक्त साहब ने बोला है तो हम लोग पूरा अपना रोकथाम ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग रोकथाम प्रिकॉशन, वो जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम उसी के तहत पे ये काम कर रहे हैं। तो अभी ये टीम अभियान चलता रहेगा, तो जहाँ जहाँ आज हमारा जो हिसाब का बताया मैंने सिर्फ टायर पर फोकस करेंगे कबाड़ पर। मिली हैं ऐसे 4 आदमी हैं जिनको डॉक्टर साहब बताएंगे और डॉक्टर साहब बताएंगे कि बिल्कुल उसके अंदर मच्छर मिले हैं और आपको भी हमने वो एड्रेस किया दिखाया है कि जहाँ पे वो लार्वा मतलब वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। और अगर एक बार गलती एक को हुआ तो ये बड़ी तेज़ी से चीज़ फैलती है क्योंकि लार्वा बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और बेसिकली जो शहरी क्षेत्र में है वो हमारे टायर्स और कबाड़ की दुकानें हैं, शहरी क्षेत्र में लोग कूलर जो रखते हैं उसको है। तो सभी जनता से अभी हमारे जनपद वासियों से यही अपील है कि आप लोग कूलर में, टायर्स में और कबाड़ों में पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि यही पानी में डेंगू के लार्वा पनपते हैं। और एक बार जब डेंगू के मच्छर पनप जाएंगे और कहीं कोई भी बीमारी फैलेगी तो इसके लिए जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। इसलिए अभी आज हम लोगों ने 10 लोगों को नोटिस भी काटा है और नगर आयुक्त साहब की तरफ से हमारे कर्नल साहब और हमारे डॉक्टर रस्तोगी साहब और हम सभी लोग मिलकर के ज्वाइंट टीम मिलकर के अभियान चला रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। आज नोटिस काटा जा रहा है और यदि अगर 2 दिन में ये टायर को नहीं हटाते हैं तो इनका चालान किया जाएगा ताकि हम जनपद को, शहरवासियों को इस डेंगू से बचा सकें। धन्यवाद।